Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. Myself, Mrs. Neeraj, and today we will revise lesson number 21 Weather and Seasons. Today we will revise the chapter again. We have already read it. Okay, let's start. The earth has a layer of air around it. अर्थ के आसपास एक एयर की लेयर है जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं फाइन ये जो एयर है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है कई बारी इट इज़ वेट एट दिस अदर टाइम इट इज़ ड्राई समाइम्स इट इज़ हॉट एंड अदर टाइम्स इट इज़ कोल्ड तो जो ये चेंजिंग कंडीशंस हैं एयर की उसको बोलते हैं हम वेदर द चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द एयर इज़ कॉल्ड वेदर वेदर जो है चेंज होता रहता है एनी टाइम लाइक आज कल कैसे है सुबह मॉर्निंग में जब उठते हो तो फॉग होता है उसके बाद जब आफ्टरनून uh, के नीर अबाउट हो जाता है तो फिर सन निकल आता है तो वो सनी हो गया वेदर और अगर क्लाउड्स आ जाएं तो फिर वो क्लाउडी हो जाएगा ठीक है ये टाइम टू टाइम जो चेंज होती रहती है वेदर में वो एयर की कंडीशंस की वजह से होता है और उसको हम बोलते हैं वेदर सनी विंडी कोल्ड वाइट वैन वेदर मीन्स सेम फॉर लॉन्ग टाइम जब एक टाइप का वेदर है वो कॉन्टिन्यू रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक तो उसको बोलते हैं हम क्लाइमेट जो क्लाइमेट है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एक ही सीज़न चलता रहता है क्लाइमेट को हम सीज़न भी बोलते हैं लाइक like, आज हॉट है ठीक है सुबह भी गर्मी दोपहर भी गर्मी रात को भी गर्मी नेक्स्ट डे भी हॉट वेदर है तो वो सीज़न बन जाता है फिर ठीक है वी हैव हॉट एंड सनी डेज़ इन समर समर में हमारे हॉट एंड सनी डेज़ होते हैं कोल्ड डेज़ होते हैं विंटर्स में और मानसून में होते हैं वेट डेज समर विंटर एंड मानसून ये मेन सीजनस हैं इंडिया में फाइव सीजनस होते हैं समर मानसून

फैंस कूलर्स और एसी चलाते हैं कूल cool एयर के लिए ठीक है नेक्स्ट इज मॉनसून मॉनसून इज़ द नेम ऑफ द रेनी सीजन इन इंडिया रेनी सीज़न का नेम जो है वो मॉनसून को हम रेनी सीज़न बोलते हैं मॉनसून वेट होता है क्योंकि बारिश होती रहती है स्काई जो है उस टाइम पे कवर होता है क्लाउड्स के साथ और काफ़ी सारी रेन होती है लोग रेन कोट गम बूट्स पहनते हैं और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं जब वो घर से बाहर जाते हैं तो वो, वो मॉनसून सीज़न में हम पकौड़ेज़ और समोसास खाते हैं जो हॉट होता है आफ्टर दैट ऑटम ऑटम जो है विंटर से पहले आता है ये शॉर्ट सीज़न है ये ज़्यादा गर्म नहीं होता ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है इस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा होता है एंड जो ट्रीज़ हैं उसके लीव्स येलो होने स्टार्ट हो जाते हैं और येलो होने के बाद वो गिर जाते हैं विंटर सीज़न जो है दैट इज़ कोल्डेस्ट सीज़न इन द ईयर कोल्डेस्ट सीज़न होता है विंटर्स आजकल जो चल रहा है सन हॉट नहीं होता ठंडी हवा चलती है इस सीज़न में लोग जो हैं वूल सिल्क और फर के क्लोथ्स पहनते हैं बोर्नफायर्स आर लिट आउटडोर बोर्नफायर जलाते हैं लोग आग सेकते हैं रूम हीटर यूज़ करते हैं रूम्स को गर्म करने के लिए लोग गर्म खाना और गर्म पीना पसंद करते हैं टी कॉफ़ी सूप ठीक है ये देखो ये दिस इज़ बॉनफायर नेक्स्ट है स्प्रिंग सीजन इन स्प्रिंग सीजन स्प्रिंग सीज़न कम्स आफ्टर विंटर विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आता है ये ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म फ्लावर्स और न्यू लीव्स आ जाते हैं प्लांट्स के ऊपर इस सीज़न में और चिल्ड्रन जो है वो बाहर खेलते हैं आउटडोर जाके ठीक है क्योंकि सर्दी कम हो जाती है और फिर बच्चे फ्री होते हैं बाहर खेलने के लिए ये हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू विल लर्न फाइव लाइंस अबाउट योर फेवरेट सीज़न जो भी आपका फेवरेट सीजन है आपने उसकी लाइंस यहाँ से लर्न करनी है अगर विंटर आपका फेवरेट सीजन है तो इसकी फाइव लाइंस आप लर्न करोगे मॉनसून यहाँ से उठाओगे फाइव लाइंस अपनी ठीक है तो समर करना है तो यू कैन लर्न समर कोई भी एक सीज़न लो एंड लर्न फाइव लाइन्स अबाउट इट ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स अ नाइस डे